इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब के जन्मदिन को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। जन्मदिन को लेकर मुस्लिम वर्ग में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यूपी के बांदा में भी ईद मिलादुन्नबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। ईद मिलादुन्नबी की पूर्व संध्या पर शहर के विभिन्न इलाकों को सजाया गया था और आज दोपहर 2 बजे जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत की गई। शेख सरवर साहब की मस्जिद से जुलूस मोहम्मदी को शहर काजी और कमेटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जुलूस में विशेष पोशाकों से लैस हजारों की तादाद में युवक हरे परचमों को लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से निकल रहे हैं। जुलूस में तमाम तरह की झांकियां मौजूद हैं, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शहर के कई हिस्सों से गुजरते इस जुलूस का रात 8 बजे अलीगंज के बाबूलाल चौराहा ईदगाह पर समापन किया जाएगा। जुलूस के रास्ते में कई स्थानों पर लंगर और शरबत पानी की सबीलों का इंतजाम किया गया। वहीं दूसरी तरफ बहराइच की घटना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जुलूस के रूट पर पड़ने वाले सभी बिजली की लाइनों को ऊंचाई पर किया जा चुका है, साथ ही जुलूस के रूट पर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। प्रशासनिक अधिकारी भी निगरानी में लगे हुए हैं। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। तैयारी की गई जिला प्रशासन द्वारा? तैयारी पुलिस और प्रशासन की टीम ने परसों रास्ता देखा था, जिस रास्ते से होकर जुलूस जाना है, जहाँ तक समाप्ति होना पूरा रास्ता देखा गया था। जहाँ जहाँ तार नीचे थे उसे ऊपर करा दिया गया है, सारी साफ सफाई कर दी गई है हर चौराहे पे, और वहाँ टीमें लगी हुई हैं कि कोई अवांछित जानवर जो है इनके जुलूस में ना घुसने पाए। इसके अलावा जो चौराहे हैं, संवेदनशील स्थान है, उस पर छतों पे भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। सब लोग नज़र रखे हैं, पुलिस की और प्रशासन की बराबर नज़र है, सब सफल संपन्न हो गए।